अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी गिलगित से हाजिर है। नाज़रीन, गिलगित एक बड़ा शहर और गिलगित बल्तिस्तान की जब हम सकाफत की बात करते हैं, यहाँ पे रस्म व रवाज की बात करते हैं, इससे पहले उनके पास कोई ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे वो अपने कल्चर की बात करें, अपने अदीब शायर दानिश्वर को इनवाइट करें। यहाँ पे गिलगित में PNCA का इफ्तिताह होने जा रहा है, यहाँ का लोकल आर्टिस्ट जो है उससे भी बात करेंगे और हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो यहाँ पे कल्चर मिनिस्टर हैं राजा नासर साहब, उनसे भी हम मुलाकात के लिए कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे, आर्टिस्टों से मिलेंगे और यही जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ के आर्टिस्ट हैं, उनके जज्बात जो है वो आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, यहाँ पर लोकल आर्टिस्ट वो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जब उसको मौका मिले, शाहजमान शाह एक ऐसा आर्टिस्ट जो फ्लूट को बहुत अच्छे तरीके से बजाते हैं, लेकिन मौसीकी में भी दिलचस्पी है, शायर अदीब भी हैं। शाहजमान, यहाँ पे PNCA की ब्रांच खुल गई, इफ्तिताह हो गया, क्या कहते हैं इस हवाले से आप बोले? ये बड़ी खुशी हो गई जी, हम आपको मुबारकबाद, अपने आप को भी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारा कल्चर आपके ज़रिए से इंशाल्लाह डेवलप होगा। हमारे एक एक फनकार एक एक गाने के लिए KPK जाके रिकॉर्डिंग करते थे, अब उनकी जान भी छूट जाएगी, यहीं से रिकॉर्डिंग होगी और दीगर हमारे कल्चर के मजीद वो नुक्ते हैं वो सब इसके ज़रिए से डेवलप होंगे, हमें बड़ी खुशी हो गई जी। अच्छा शाह जी, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जो शायरी होती है मुख्तलिफ ज़बानों में होती है जी, कौन कौन से साज़ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं यहाँ जी? सबसे बड़ी ज़बान तो शना है, शना के बाद ख्वार है, ख्वार ज़बान नहीं, शना के बाद बुरशस की है, बुरशस के बाद ख्वार है, तो ये मुख्तलिफ ज़बानों के साथ बहरहाल हमारे रिदम जो है एक ही है। हाँ। कुछ थोड़ा सा हमें सुनाएंगे, आपके पास तो है? सबसे पहले तो मैं मैडम डॉक्टर फौजिया साहिबा और PNCA का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये पहला जो स्टेप यहाँ के फनकारों के लिए, स्पेशल GB के कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक पहला स्टेप हमने जो उठाया है इनके साथ मिलकर, इंशाल्लाह इसकी जो एफर्ट जो होंगे आगे जाकर गिलगित बल्तिस्तान के जो फनकारों के मुस्तकबिल के लिए एक रोशन मुस्तकबिल होगा। हर फनकार अपने फ़न का मुजाहिरा सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हद तक ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपने मुजाहरे करेंगे, तो इनके प्रमोशन के लिए जो भी एफर्ट्स जो हुकूमत के सतह पर या जो भी हमसे होगा इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। यहाँ पे बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है इस इलाके के खूबसूरत कल्चर के साथ साथ, हमारे फनकार हजरात जो अब देख रहे हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इस इलाके की कल्चर को और यहाँ की सकाफत को की पहचान ही आप हैं, तो इंशाल्लाह इस इलाके की जो है ना पूरे पाकिस्तान में इस इलाके की पहचान हमारी सकाफत है। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगा PNCA को, डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा को, और इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये पहला स्टेप है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये मज़ीद एक्सपेंड करेगा ये इदारा यहाँ पर फ़न की तरक्की, फ़न की तरवीज, प्रमोशन, कल्चर, इन तमाम के लिए। पाकिस्तान भर में फौजिया सईद साहिबा को हम अपना एम्बेसडर समझते हैं और इन्होंने उस तरह बरता भी है गिलगित बल्तिस्तान को, बहुत सारे टॉक शोज़ में, डिस्कशंस में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर रही होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम, छोटा सा इलाका है, आबादी कम है, ज़बानें बहुत ज़्यादा हैं, कल्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब आप हंजा में जाएंगे, लोअर हंजा में शना जबान है, शना कल्चर है, सेंट्रल हंजा में ब्रुशस की जबान है, ब्रुशस की कल्चर है, अपर हंजा में आप जाएंगे वखी जबान है, वखी कल्चर है, और एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
वो चूंकि अपना अपना एक सेटअप पे रहे हैं तो अपना अपना एक कल्चर ग्रूम करता रहा है, फिर यहाँ ख्वार भी बोलने वाले हैं, बल्ती भी बोलने वाले हैं, खिलुचा भी बोलने वाले हैं, गोजरी भी बोलने वाले हैं, बहुत सारी जबानें हैं, शनाकी अपनी बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं कि गज़र में आप जाएंगे शना डिफरेंट है, हिनी शनाकी की, हुंजा की शना डिफरेंट है, गिलगित की शना फ़र्क है, अस्तोर की शना डिफरेंट है, दियामर की अलग है, गुरेज की अलग है। तो इतने सारे कल्चर्स हमारे पास अनएक्सप्लोर पड़े हुए हैं, ये जब एक्सप्लोर होंगे, बाहर की दुनिया इनको देखेगी, तो उस हवाले से टूरिज्म भी आएगी, उस हवाले से कल्चर एक्सप्लोर करने वाले भी आएंगे, म्यूजिक एक्सप्लोर करने वाले भी आएंगे। जीबी गवर्नमेंट का और पीएनसी का कोलैबोरेशन है और ये जीबी की आवाम की एक खिदमत मैं इसको समझता हूँ। यहाँ के कल्चर को, यहाँ के सॉन्ग्स को, यहाँ की लैंग्वेज को प्रमोट और प्रिजर्व करने के अंदर एक स्टेप होगा। यहाँ पे ऑफिस बनने से आप क्या समझते हैं कि आपके शोबे में भी प्रमोशन मिल सके? जहाँ तक मुझे पीएनसी का रोल लगता है, जो यहाँ अब आगे प्ले करेगा पीएनसी एज एन इंस्टीट्यूट, तो ख़वातीन यहाँ होती हैं जो कल्चर के फील्ड में बहुत काम कर रही हैं, लेकिन उनको इस तरह से जो है ना पहचान नहीं मिलती। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इस इंस्टीट्यूट से उनको पहचान मिलेगी, उनको एक डायरेक्शन मिलेगी और उनको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा रास्ते मिलेंगे। टूरिज्म में भी तो हम समीना बेग को और बहुत सारे लोगों को पहाड़ों को सर कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिस्ट है और आपके साथ उसका कोलाब्रेशन बनेगा तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ आप देखेंगे टूरिज्म से रिलेटेड तो बहुत कुछ काम हो रहा है, लेकिन कल्चर में आप देखेंगे तो ख़वातीन है, जैसे यहाँ पे अलमास के नाम से एक सिंगर हैं, मतलब वो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, उनको इस तरह का इतना ज़्यादा कोई ख़ास प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो यहाँ जो सिंगर्स होंगी या और जो लड़कियाँ हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म पीएनसी के थ्रू मिल सकता है। जमाली साहब, आप आर्टिस्ट भी हैं और आर्टिस्टों की तंजीम को भी चलाते हैं, प्रेसिडेंट हैं आप उसके, कुछ अपने बारे में बताएं और ये पीएनसीए का वजूद में आना आपके लिए, आर्टिस्टों के लिए कितना अच्छा हो? हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ये पीएनसी जो इदारा है वो यहाँ हमारे गिलगित में आई है, तो हम तमाम शायर और गुलकार और जितने भी हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए उनके तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले हमारे गिलगित में ऐसे कोई इदारा कायम ही नहीं था। जान साहब हैं, जान जहाँ का आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, और जिस तरह अभी आप सुन रहे थे कि इनको रिकॉर्ड किया जाएगा, जान अपने बारे में बताएं, आप किस तरह के आर्टिस्ट हैं, क्या क्या आप? मैं नया धुन बनाने वाला मौसिकार भी हूँ शिनाजाबान का, शहनाई भी बजाता हूँ, मुरली भी, सितार भी, और पेशकश भी अपना आवाज़ में पेश करता हूँ। कितने अरसे से इस शोबे से आप वापस? कोई हो गया 45-40 साल से आगे से करता हूँ, ये सारा मेरा शागिर्द है जो निकले हैं नया, तो लेकिन इस जबान का वैल्यू नहीं है हमारे शना जबान का। पीटीवी हमारा इदारा है, कौमी इदारा है, कि आप यहाँ आए और हमें मौका दिया बात करने का, क्योंकि आप ये देख रहे हैं सर, ये बैकग्राउंड में ये हमारे लेजेंड थे, उनकी डेथ हो गई पिछले साल, ये मकरूस होकर फोत हो गए हैं यहाँ पे, ये अब्दुल गफूर चिलासी लेजेंड थे हमारे, कोई पूछ नहीं, अभी उनके बच्चे मतलब पता नहीं किस साल में हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे पहली बार कोई इदारा पीएनसीए का आ रहा है, तो हमें खुशी हो रही है। मैं खुद लिखता हूँ, शायर हूँ यहाँ का शिनाजबान और उर्दू में, और मैं गाता भी हूँ, मेरे 3 एल्बम रिलीज़ हुए हैं सर, और मैं आइंदा भी गा रहा हूँ, और मैं प्रेसिडेंट हूँ कराकुरम आर्ट एंड वेलफेयर कौंसिल का। राजा सुल्तान साहब एक नामवर सहाफ़ी हैं, यहाँ पे आर्ट कल्चर इसको बड़ा करीब से देखा, अपने अखबारात में भी उनको मौका दिया और अपने टीवी चैनल पे जो इंटरनल सर्किट में। राजा साहब, इस इदारे का यहाँ पर वजूद में आना एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, इस इदारे के आने के बाद यहाँ की जो टैलेंट है वो ज़ाया हो रहे थे, उनको उभरने का मौका मिलेगा और गिलगित बल्तिस्तान की जो कल्चर है उसको सेव करने का, महफूज करने का एक बेहतरीन प्लेटफार्म होगा। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के आर्टिस्ट जो थे यहाँ पे, जो फनकार थे, जो मुख्तलिफ किस्म के बड़े नामवर थे, लेकिन उनको प्लेटफार्म नहीं थे, यहाँ इसके बाद उनकी जो रिकॉर्डिंग है उनका सेव होंगे और वो आने वाले नस्लों तक मुंतकिल होंगे। इससे पहले जो यहाँ का आर्टिस्ट था वो अपने फ़न को कैसे ज़िंदा रखते? वो अपनी मदद आपके तहत और शहर में आपके इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर जाकर रिकॉर्डिंग कराते थे, बहुत खर्चे थे, बहुत सारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट की गिलगित आने के बाद उनके खर्चे बच जाएंगे और उनको एक घर के दरवाजे पे एक बेहतरीन जगह मिलेगा और उनकी अपनी जो फ़न है उनको आगे प्रमोट करने का मौका मिलेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पीएनसीए ऑफिस गिलगित में और डायरेक्टर जनरल पीएनसीए फौजिया सईद
اسلام آباد سے یہاں پہ تشریف لائے اور اس تقریب میں بھی انہوں نے شرکت کی جس میں منسٹر صاحب تھے. میم جب یہ ادارہ وجود میں آ گیا, آپ تو آلریڈی ایک بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں, یہاں کے فنکار کو اس سے کتنا فائدہ؟ میں یہ نہیں صرف چاہوں گی کہ ہم یہاں کچھ ایونٹس کر لیں, اس میں ان کو ہم انگیج کر لیں. میں چاہتی ہوں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں مل کے کلچرل پالیسی پہ کام کریں, ایک ڈیٹا بیس بنے فنکاروں کا, اس میں ہم جیسے فسیلیٹیٹ کر سکیں ہم کریں گے, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہے اور یہاں بہت ولنگنیس ہے. تو ایک ہم ذرا لارجر لیول پہ تھوڑا سا آرگنائز اگر کر سکیں فنکاروں کو تو وہ بہت اچھا ہوگا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ویژن ہے کہ ان علاقوں میں گلگت بلتستان میں ٹوریزم کو پروموٹ کیا جائے, کلچر کو پروموٹ کیا جائے. تو یہ جو آپ کا ادارہ یہاں پہ وجود میں آیا تو یہ اس میں بھی آگے مدد دے گا؟ دیکھیے کلچر تو بہت ہی اہم جز ہے نا ٹوریزم کا, اپنے تئیں بھی ایک پورا فیلڈ ہے, لیکن ٹوریزم جو ہے وہ ادھورا ہے ایک سمجھ لیں آپ کے کلچر کے بنا. تو اس میں بالکل آئے گا, کیونکہ یہ ایونٹس صرف ایک اوکیجنل نہیں ہونے چاہیے. بڑے فیسٹیول جو یہاں کے ہیں ان کو بہت پراپرلی ایڈورٹائز ہونا چاہیے تاکہ بہت سی جگہ سے ٹور آپریٹرز جو ہیں وہ لے کر آئیں لوگوں کو. چیری بلاسمز ہیں ان کے ارد گرد ہو, بہت سارے فیسٹیولز ہیں ان کو پراپرلی ایڈورٹائز کریں, اور پھر اس میں کلچرل ایکٹیویٹی ساتھ ساتھ ہو, فنکار ساتھ ساتھ ہوں, ان کی بھی لائیولیہڈ کا ایک سورس بنتا ہے. تو یہ ساری جو ہے, میں یہ بھی کہوں گی جو فیڈرل منسٹر ہیں شفقت محمود, جن کے نیچے ہیریٹیج آتا ہے اور پی این سی اے کے بھی وہ ایڈمنسٹریٹو انچارج ہیں, تو ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ہم گلگت میں آفس بنا کے اور یہاں سے انگیجمنٹ بہت ایکٹیو کر دیں, کیونکہ یہاں اتنا رچ کلچر, یہ جو پہاڑ ہیں اور جو ہیریٹیج ہے یہ پاکستان کا فیس ہے. میڈم آپ نے جان صاحب کا ذکر کیا کہ ان کو آپ ریکارڈ کریں گے, تو اس طرح کے اور بھی فیمس نام ہوں گے؟ جی بالکل, جان علی صاحب کے ساتھ ہم نے شروع کرنا ہے, پھر ان کے جو ساتھی ہیں فدا حسین ہیں, جو مختلف دیکھیں ان کا ڈمل ہوتا ہے, ان کا ڈڈانگ ہوتا ہے, ان کی جو سرنائی ہے شہنائی ہے وہ بجانے والے ہیں, ڈھولوں کی بے تحاشا بیٹس ہیں. تو ہم یہ شروعات یہاں سے کر رہے ہیں, لیجنڈری آرٹسٹ سے شروعات کر رہے ہیں, وہاں سے پھر ہم حاجت قبول ان کے بعد کریں گے, اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. جو ثقافت کا میسیج ہے, کلچر کا میسیج ہے, پی ایم سی اے کا میسیج ہے, محبت کا ہے, اخوت کا ہے, بھائی چارے کا ہے, تو میں چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں, ان کے لیے اگر آپ کا میسیج ہوگا, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا تاریخی اقدام ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ایم سی اے کا وجود میں آنا. میں یہ کہوں گی کہ جو ادارے نیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کو نیشنل ہی رہنا چاہیے, بڑے شہروں میں صرف ایک آرٹ کاؤنسل بن کے نہیں رہنا چاہیے, اور ہر ایریا میں پہنچنا چاہیے, کیونکہ جو نیشنل ادارے ہوتے ہیں ان کا جو آرٹسٹ ہیں ان کا حق ہوتا ہے ان کے اوپر, اور چند ہی لوگوں کو پروموٹ کرنا انٹرنیشنلی ٹھیک نہیں ہوتا. ہمیں ہر صوبے سے اور صوبے کے بھی ہر ریجن سے لوگوں کو, ہر زبان بولنے والے کو اسی طرح پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کا ریئل فیس ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈائیورسٹی سے گھبرانا نہیں چاہیے, ڈائیورسٹی کو اون کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دیٹ از ہو وی آر. جی ناظرین, یہاں پہ گلگت بلتستان کے منسٹر جو ہیں کلچر کے, اور کلچر کے علاوہ ٹوریزم ہے, یوتھ ان کے پاس ہے, میوزیم ہے, بہت سارے ادارے ہیں. منسٹر صاحب بہت مشکور ہیں ہم آپ کے, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ بات تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے, آپ نے کئی انٹرویو میں بھی کہا, لیکن اب آپ نے اس پہ عملی طور پہ کام کیا کہ نیشنل سطح پہ, انٹرنیشنل سطح پہ ٹورسٹ یہاں پہ آئے, اس کے لیے اب تک آپ نے کیا کیا کام کر دیا؟ جی بہت شکریہ ہاشمانی صاحب آپ کا. ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں, آپ کو بہت ساری چیزیں ابھی عملی میدان میں بھی نظر آ رہے ہیں, جس طرح ہم نے اس کی پروموشن کی ہے, جو اقدامات کیے ہیں, اور انفراسٹرکچر کے اوپر خصوصاً جو توجہ دے رہے ہیں اس کے لیے, ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز روڈس ہے, ویلیز کے جو اندر جو روڈ بن رہے ہیں, جو سہولیات جو ٹورسٹ کو مختلف جگہوں پہ جانے کے لیے جو مشکلات پیش آ رہے تھے, اس کے لیے ہم نے ایک عملی شارٹ ٹرم پالیسی کے اندر اس کے اوپر کام ابھی شروع کر دیا ہے. ریسٹ ایریاز بن رہے ہیں, فیسلیٹیشن سینٹرس بن رہے ہیں,
और जो जो भी टूरिस्ट यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं तो हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको सारी सहूलतें जो है ना दूसरे मुकामात की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, ना उनका रहाइश का मसला यहाँ पे, ना रोड का मसला जो पेश आ रहा था पिछले वक्तों में। तो ये चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ आए और अपने सहूलियात जो जहाँ इनको यहाँ पे मैसर होनी चाहिए वो सारी सहूलियात। अच्छा राय साहब, हमने देखा ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब अपने विजन के मुताबिक हमेशा कहते रहे कि इस इलाके को प्रमोट करना है, टूरिज़म को प्रमोट करना है, एक बड़ा पैकेज दिया है वज़ीर आज़म ने जिसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप प्रायोरिटी आप इसकी कैसे बनाएंगे कि इसको ज़्यादा पहले फोकस करना है, इसको इस पर भी आपका काम होगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब का अपने कुछ आइडियाज़ भी हैं इससे रिलेटेड। जीबी के अंदर वो एक तो होम स्टे वाला जो कंसेप्ट है उसको लेके आ रहे हैं, वो तकरीबन उसके अंदर काम शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ एरियाज़ की हमने आइडेंटिफाई भी की है, उसके लिए एप्लीकेशंस भी सबमिट हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, हमारे लोकल लोग। तो उसके अंदर ये होगा कि मतलब हम उसके लिए लोन भी दे रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अपने घरों के साथ साथ अगर कोई इनकम भी जनरेट होगा इससे लोगों की मायशी हालत भी बेहतर होगी। ये वज़ीर आज़म साहब का एक विजन था, उसको हमने ऑलरेडी शुरू किया। उसके साथ साथ एक विलेज का भी कंसेप्ट है कि हमने पूरे के पूरे विलेज को जो है ना एक आइडियल विलेज के तौर पर हमने इंट्रोड्यूस करना है, उसके ऊपर भी तकरीबन सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी है, वो इंशाल्लाह इस साल हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 3 विलेजेस का हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया है एज ए मॉडल विलेज, हम इसको पेश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की यूथ में काफ़ी पोटेंशियल भी है और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि पिछले वक्तों में इनके साथ काफ़ी नाइंसाफियाँ हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें ताकि वो अपने अपने महारत को अपने अपने शोबों में आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर स्कॉलरशिप्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में, इनके अंदर जो टैलेंट हैं छुपे हुए उनको हम पूरे पाकिस्तान लेवल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लेवल पर जो स्पॉन्सरशिप्स हम ले रहे हैं उनको मुख्तलिफ, अभी जो तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के मोर देन 700 to 800 यूथ इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ स्टडीज़ के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ कंट्रीज में है इस वक्त। इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पे लाने के लिए आपको इंतजामात भी ऐसे ही करने होंगे, इसमें भी तो एक वसी एजेंडा होगा जी? बिल्कुल आशवानी साहब, इसको इसके लिए हमने जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी इस इलाके की जो मोस्ट जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ है वो इस इलाके का अमन है, उसके साथ साथ जो फैसिलिटेशन इनके वीज़ा प्रोसेस में था वो हमने तकरीबन इनके रेस्क्यू का अमल था, जो माउंटेनर्स आते हैं यहाँ पे तो पहले काफ़ी रेस्क्यू के अमल में काफ़ी मुश्किलात थे तो उसको भी हम आसान से आसान तर कर दिया है। तकरीबन इनके फैसिलिटेशन के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं, इनके एंट्री का जो अमल था जगह जगह पर चेक पोस्टों पर इनको काफ़ी मुश्किल का सामना था, वो सारी चीज़ें हम अभी सहूलियात के लिए इनको यहाँ पे रीच करने के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटेट हमने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ मुख्तलिफ एम्बेसडर्स के साथ बैठकर हमने की है, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन टूरिस्ट का एक हब बनेगी। ऑलरेडी पहले से भी है गिलगित बल्तिस्तान अट्रैक्शन के लिहाज से, जो कुदरती यहाँ की जो खदोखाल है, जो खूबसूरती है इलाके में, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है गिलगित बल्तिस्तान को, खुसूसन जो हमारे यहाँ की कुदरती खूबसूरती है, और इसको हम जितना हो सके हम कैश करेंगे उस इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके की मैं टूरिज़्म की तरक्की के लिए हम जो कोशिशें हम कर रहे हैं वो शायद पिछले द्वार में इतना मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे टीम लीडर खालिद खुर्शीद का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इनका काफ़ी फोकस है टूरिज़्म के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों से आपको कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होगी, कोलाबरेशन की भी ज़रूरत है, उनके लिए कोई मैसेज करें तो मेरा कैमरा हाजिर है। जी बिल्कुल, मैं आपके कैमरे की वसादत से एक चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ प्राइवेट बड़े सेक्टर्स हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ के लोगों को प्रमोट करने के लिए स्पॉन्सरशिप के हवाले से यहाँ के टैलेंट को थोड़ा सा आप प्रमोट करें, स्पॉन्सर करें। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में जो टैलेंट है इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान से कम नहीं है, तो हमें आप लोगों से एक ताउन की अपील है कि आप इस इलाके के प्रमोशन के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी राजा साहब। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को देखा। बेसिकली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के विज़न के मुताबिक
जब ये इलाका प्रमोट होगा, यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करेगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रमोट करेगी, तो फिर आपका मुल्क तरक्की करेगा। जब मुल्क तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। उसके लिए सब ने किरदार अदा करना है। मिनिस्ट्री अपना रोल प्ले करे और उसी के साथ साथ इदारे उसके साथ जब तावन करेंगे, और जब आपके पास मेहमान आएगा यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में, तो लाजमी बात है कि आपके कारोबार में भी तरक्की बढ़ेगी। बड़ी अच्छी और बड़ी खुशी की बात है कि हमने यहाँ पे देखा कि टूरिस्ट को और बाहर से आने वाले मेहमान को मकामी लोग बहुत खुशामदीद कहते हैं, बहुत बेहतर तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। बड़ी खूबसूरत एनवायरनमेंट है, मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है, और हमारी ख्वाहिश यही है कि सब जब मिल के चलेंगे तो वो पाकिस्तान हम हासिल कर पाएंगे जिसकी ख्वाहिश वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं, और इससे पहले जिसकी बुनियाद हज़रत अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने रखी थी। यकीनन मौजूदा हुकूमत इसको आगे बढ़ाएगी और तरक्की के वो मौके जो हैं वो साथ लेके आम आदमी को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को टूरिज़्म मिनिस्ट्री गिलगित से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के वान।